तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि 38,000 पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल न्यूट्रिशन, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पीजीटी में इनके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर जो कि मैंने आपको कल अखबार का बताया था, वो ऑफिशियली आप लोग देख सकते हैं 8,140 करीबन पोस्ट इसमें है। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें भी है, बायो है, हिस्ट्री है, और ज्योग्राफी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सभी में है आपका, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा है सब कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें लेवल देख सकते हैं 37,600 स्टार्टिंग सैलरी होगी, और इसके लिए यहाँ पर 40 साल तक का एज के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ओनली बीएड होना चाहिए आपके पास, और EMRS जो यहाँ पर एकलव्य वाले स्कूल होते हैं उन पर पोस्ट निकल रही है यहाँ पर काफ़ी लंबे समय के बाद, बहुत टाइम के बाद। इसमें आप लोग देख सकते पीजीटी में इतने सब्जेक्ट हैं, ऐसे ही यहाँ पर आपका टीजीटी में भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पीजीटी का है और ऐसे ही टीजीटी का भी इस तरह का है, और उन पर भी आपका यहाँ पर फॉर्म होने हैं फिर। और इसके लिए यहाँ पर टीजीटी में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रूल रेगुलेशन पूरा कर दे रखे हैं। इसमें 44,900 सैलरी आपके दिया जाएगा स्टार्टिंग, जैसे कि आपका उत्तराखंड में एल टीम होता है प्रवक्ता, मतलब सेम स्ट्रक्चर वही है। 8,880 इसमें आपको पोस्ट है देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया साफ साफ 8,800, ठीक ठीक है 8,880 इसमें पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और ये पोस्ट आपकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अन्य पोस्ट भी निकली हैं, मैं मेनली आपको बता दिया टीजीटी बीजीटी का। इसका नोटिफिकेशन देखते हैं ऑफिशियली है यहाँ पर, देखते हैं कि आपका आदिवासी छात्र समिति यहाँ पर जो निकलती हैं, ठीक है, एकलव्य वाले स्कूल में उन पर ही आपके पोस्ट हैं। इसके लिए यहाँ पर देखते हैं कि इन पदों पर आपके यहाँ पर जल्दी वैकेंसी निकलने वाली है, और पूरा पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है। क्राइटेरिया और नियमावली, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया है, वेबसाइट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। जल्दी इसी साल यहाँ पर इसकी वैकेंसी निकलने वाले हैं, ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं इन पदों पर। और देखते हैं बहुत सारे पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग की भी पोस्ट इसमें हैं, तो इसमें 10th 12th और सभी वालों के लिए भी रखा गया हुआ है, तो आप लोग इन पर ट्राई करना, इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसका सब कुछ दे रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल साइट पर, वहाँ पर सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा, सेम आपका KBS की तरह ही रहेगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर।